नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध। कहा, कोरोना के बाद का समय होगा नए सिरे से सीखने, विचार करने, आविष्कार और सृजन का। राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। ईटानगर शहरी निकाय के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के बाद 47 नामांकन मिले वैध। उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार शुरू। कातम योमसो मेमोरियल वेटरन फुटबॉल प्रतियोगिता ईस्ट सियांग जिले के दोइंग गुमिन कॉलेज प्लेग्राउंड में शुरू। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच 11 वंडर्स फुटबॉल क्लब और सियांग यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कल पेन IITUSA द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में सरकार के अभूतपूर्व सुधारों की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद का समय नए सिरे से सीखने, विचार करने, आविष्कार और सृजन का होगा। इसके अलावा लगभग हर क्षेत्र में कई तरह के आर्थिक सुधार करने की भी आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे जीवन यापन आसान होगा और वंचितों के स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान उद्योग और शिक्षा जगत ने मिलकर कई तरह के नव परिवर्तन किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में आज दुनिया को व्यवहारिक समाधानों की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेन IIT आंदोलन की समेकीतिक शक्ति से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में मदद मिलेगी। द प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। There is no sector left out from our reforms. We have brought path-breaking reforms in the labor sector, assimilating 44 union labor laws into just 4 codes. Our corporate tax rate is one of the lowest in the world. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल ईटानगर में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और हाइड्रो पावर डेवलपर के प्रतिनिधि मंडल के साथ कल एक बैठक की। इस बैठक में लोकसभा सांसद तापिर गांव, राज्यसभा सांसद नबाम रबिया, विधायक बालू राजा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संजीव नंदन सहाय और जल विद्युत ऊर्जा के संयुक्त सचिव तन्मय कुमार, NHPC के मुख्य प्रबंधन AK सिंह, पावर ग्रिड के मुख्य प्रबंधन निदेशक के श्रीकांत और निपको के मुख्य प्रबंध निदेशक BK सिंह मौजूद थे। बैठक के दौरान 2000 मेगावाट की लोअर सियांग जल विद्युत परियोजना, 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना, सियांग और दिबांग नदियों पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा प्रभावित लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें अच्छा पुनर्वास पैकेज देने के आश्वासन पर भी चर्चा हुई। बैठक में पर्यावरण को कम प्रभावित करने, समय पर कम लागत में जल विद्युत परियोजना के लघु जल विद्युत परियोजना के विकास पर जोर दिया गया। इस अवसर पर प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विकास, अधिग्रहित भूमि के मुआवजे और बांध को लेकर स्थानीय लोगों में भय के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। ईटानगर शहरी निकाय के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के बाद 47 नामांकन वैध पाए गए हैं। म्युनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर कोमकार दुलम के अनुसार 47 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। इधर पासीघाट शहरी निकाय की 8 वार्ड के चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। उम्मीदवार अपने नाम 7 दिसंबर तक वापस ले सकेंगे और इसके बाद ही दलगत आधार पर उम्मीदवारों की सही तस्वीर साफ हो पाएगी। सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय ईटानगर में आज संभावित रूप से निर्विरोध निर्वाचित होने वाले 2 उम्मीदवारों का स्वागत किया गया। नाचुन जी और मैं बहुत अच्छा आदमी होता होगा इसलिए अनकॉन्शियस हुआ। बीजेपी ऐसा पार्टी है, नेशन फर्स्ट,
बाकी सेकंड सेल्फ क्लास, तो ये बहुत अच्छा आइडियोलॉजी है। ऐसा आइडियोलॉजी में चलेगा तो हम बहुत आगे जाएगा। तो आप सभी को फिर से मैं थैंक यू, अगला 5 साल में हम लोग मिलकर काम करेंगे, आप लोग से एडवाइस लेंगे कैसा करना है क्या करना है, और गलती भी करता है तो आप लोग हम लोग को समझाना है कि आप ऐसे ऐसे गलती कर रहा है, तो ऐसा गलती नहीं सुधरेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए फिर से सबको थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इधर जनता दल यूनाइटेड ने आज ईटानगर शहरी निकाय के वार्ड संख्या 10 से अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ किया। पार्टी की उम्मीदवार युकारियारो के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में जेडीयू ने कहा कि विकास प्राथमिकता होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रूही तगुंग ने बताया है कि नामांकन पत्रों की जाँच के बाद जेडीयू के 17 उम्मीदवारों को योग्य पाया गया है। उन्होंने ईटानगर शहरी निकाय के एक वार्ड के उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग से सभी उम्मीदवारों के लिए समान मानदंड निर्धारित करने का अनुरोध किया। 17 का कैंडिडेट का क्वालिफाइड हुआ है। वार्ड नंबर 19 में जो इलेक्ट्रोल डबल इलेक्ट्रोल रोल का बात लेके आरओ ने डिसक्वालीफाइड किया बोलते सुना है। वार्ड नंबर 2 में सेम केसेस जो डबल इलेक्ट्रोल रोल का, जैसे हमारा वार्ड नंबर 19 में निर्जिले में भी भूतार है, तारासोमी में भूतार है, उसको डिसक्वालीफाइड किया। फिर वार्ड नंबर टू में भी इसका भूतार है, इसका बाद उधर दमपुरी जो तरफ में भी इसका भूतार है, केसेस सेम है, जस्टिस होना है, रूल टू सबका सेम है। निर्जिले में अलग रोल वार्ड नंबर 19 में, और वार्ड नंबर 2 में अलग रूल तो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग बात करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन को। अरुणाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार 80 वर्षीय कोविड संक्रमित व्यक्ति कई अन्य बीमारियों से ग्रस्त था और उनका राजधानी ईटानगर के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल चिंपू में इलाज चल रहा था। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड संक्रमण के 18 नए मामले दर्ज किए गए और 36 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 751 रह गई है। राज्य में अब 15,561 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 6, पपुमपारे और वेस्ट कामेंग जिले से 3-3, वेस्ट सियांग, लोहित, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, चांगलांग और लोअर दिबांग वैली जिले से 1-1 मामले शामिल है। देश में कोविड 19 के 36,692 नए मामले मिलने से कुल संक्रमित मामलों की संख्या 96,08,000 को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में हुए 512 मौतों को मिलाकर इस संक्रमण से अब तक 1,39,700 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय देश में संक्रमण के 4,09,689 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 42,533 लोग संक्रमण से ठीक हुए। कोविड रिकवरी दर अब बेहतर होकर 94.20% हो गई है। अब तक 90,58,822 लोग संक्रमण से उभर चुके हैं। राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता आइनी तालो ने प्रदेश के लोगों से कोविड को लेकर लापरवाही न बरतने और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करने की अपील की है। हमारे बस में है, तो हमको करना क्या है, बस सिंपल, जो सरकार ने हमारे लिए SOPs जो मेंटेन करने को कहा है उसे फॉलो करें। इसके बाद हाथों को साबुन से और पानी से अच्छी तरह धोएं। इसके बाद हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करें। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, मास्क को ठीक से पहने। मैंने देखा है लोगों को सिर्फ मुंह ढकते हैं, नाक को नहीं, और कोई कोई यहाँ पहनते हैं, कोई कोई गले में, और मैंने देखा है कोई कोई तो इतना हद तक कि माथे के ऊपर पहनता है। ऐसे ना पहने, अच्छी तरह मास्क को पहने, नाक ढके, आपका मुंह ढके, बस। और इसके बाद हमारी सरकार ने जो हमें बोला है कि 2 गज की दूरी जो है वो, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग,
मेंटेन करें, वो हम सब को करना चाहिए। ईटानगर में आज मानव तस्करी और मानव अधिकारों के उल्लंघन पर एक दिवसीय लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग और अथु पोपू सोशल फाउंडेशन के सहयोग से ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील माओ, सामाजिक कार्यकर्ता हसीना खारवी, अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष राधिलू चाय तेची, पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी के प्रतिनिधियों और अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। महिला आयोग के अध्यक्ष राधिलू चाय तेची ने आयोग की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आयोग महिलाओं के हितों की रक्षा के प्रति संवेदनशील है। In Arunachal, though in commission, as of now, we have not got much reported cases of child trafficking or women trafficking since we took over. We took over in 2018, last December. The rise in crime against women is rising, and especially capital complex is one of the, you have the highest numbers of crime against women in capital complex. And then you have other districts like West Siang, which comes second in number. Even amongst them, you will see that molestation cases are there. Domestic violence cases are also quite high. Then you have rape cases, and then you have kidnapping cases as well. So these are the cases which are in top four in Women Commission. Polygamy practice was there all over the world. आज विश्व मृदा संरक्षण दिवस है। हर साल 5 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। इसे सबसे पहले 5 दिसंबर 2017 को मनाया गया था। इसके लिए 20 दिसंबर 2013 को विश्व मिट्टी दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मिट्टी और उर्वरा के प्रति जागरूक करना है। आधुनिक समय में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के लिए दवाओं के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है। मृदा जैव विविधता की रक्षा की थीम पर आज पापुमपारे जिले के सांगदुपोदा अंचल में मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण कार्य विभाग के निदेशक जोराम पूपा ने वर्मी उसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक आरएन सिंह सहित कई अधिकारी और गांव बूढ़ा मौजूद थे। ऑर्गेनिक मटेरियल रहने से पत्ता जो गिर के रहने से हेल्दी होता है, लेकिन क्यों होता है वो हम बता रहे हैं, टेक्निकली बता रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा रहता है, पानी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो उसमें उसका बायोडाइवर्सिटी, जितना कीड़ा मकोड़ा है उसका जिंदगी रहता है, मोनोक्रॉपिंग करता है, या एक्जोटिक प्लांट बाहर से लेके आते हैं, बाद में अपना पूरा जगह क्लियर करा दिया, बस एक दूसरा प्लांट लगा दिया, तो भी बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाता है। तो वो हम मना नहीं कर रहे कि बिल्कुल मत करो, करो, लेकिन साथ में ऐसा करो कि आपका जो लोकल स्पेसिस भी रहो, बाद में आपका वो जो अंदर में बायोडाइवर्सिटी है वो भी जिंदा रहे, मतलब मट्टी जिंदा रहे, वो ये साल का थीम है हम लोग का ना। हम लोग ने छोटा सा एक डेडिकेट कर रहे कि एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट आप लोग का एरिया पे, हर जगह पे नहीं दे पा रहा है, जस्ट ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का, सो डेट कि अगर अच्छा रहे तो आप लोग इसको देख के रेप्लिकेट कर सकेगा दूसरा बस्ती में भी। आज का दिन में ऑर्गेनिक स्टेट आप सिक्किम को सुना होगा, 100% ऑर्गेनिक, प्योरली ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया, तो अपना स्टेट में शुरू तो किया, लेकिन अभी 100% तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाया, अभी तक भी पूरा अवेयरनेस नहीं हो पाया। सिक्किम में जाएंगे तो हर एक घर पर एक एक यूनिट है, अपना अपना घर पर एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, गवर्नमेंट दो या ना दो अपना अपना बना के रखा। कैतम योमसो मेमोरियल वेटरन फुटबॉल प्रतियोगिता आज ईस्ट सियांग जिले के दोइंग गुमिन कॉलेज प्लेग्राउंड में शुरू हो गई है। मंगोल योमसो फाउंडेशन, स्माइल एंड नो टीयर्स और दोइंग गुमिन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच 11 वंडर्स फुटबॉल क्लब और सियांग यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब के बीच खेला गया।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा, नमस्कार।